Welcome to English with Suleiman. I hope you are having a wonderful day today. As you know, in the succession of Almighty videos, time to time and over, I'm hosting all those speakers who are well in touch to English language and whose interest lies in this particular sort of language, English. In today's video, I'm hosting one of the motivational speakers, Sir Shoaib, who is a motivational speaker and what is a motivational speaker? Motivational speaker is the name of a person who inspires people, audience, public, students, everyone with his speeches, with his words, and with his golden opportunities. When he come across to those, he delivers all words from his heart, not from brain. So, for the very first time, let me welcome Sir Shoaib Saab for the very first time, and I'll ask some questions about his lifestyle, that how has he been getting through his life. But sabse pehle to sir, main aapko welcome karta hu English with Suleiman mein pehli dafa. Badi meherbani, thank you. Thank you too, sir. I would like you to introduce yourself by yourself. Khud apna taaruf apni hi zuban mein kijiye. Mohammad Shoaib mera naam hai. Motivational speaker, writer, and lecturer. Thank you for that. Sir Shoaib, ab ye batayega ke aapki zindagi kaise chal rahi hai? Shukr alhamdulillah, bahut dhoomdham se, bahut theek thaak. और हर लिहाज से बहुत अच्छी गुजर रही है. थैंक यू सो मच. माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सर शोएब इज दैट सर, व्हेन डिड यू रियलाइज, आपको कब पता चला, एंड हाउ डिड यू रियलाइज दैट आई एम शोएब एंड आई हैव द पोटेंशियल टू इंस्पायर द पब्लिक एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर. आपको कब पता चला, आपको कैसे पता चला कि मैं शोएब साहब हूँ और मैं अपने ही अल्फाज से दूसरों के दिल को जीत सकता हूँ या उनको इंस्पायर कर सकता हूँ सर? वैसे तो मैं टीचर रहा हूँ, केजी से मैट्रिक तक मैंने टीचिंग की है, और टीचिंग के दौरान मुझे पता चलता था कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे, और जो मैं चाहता था वो मैं कर जाता था प्रैक्टिकली. और मैं, जिस तरह आपने कहा कि मैं माइंड के साथ साथ मैं दिल से काम करता था, शौक से काम करता था, वो मेरा पैशन था कि मैं हर वक्त ये सोचता रहता था कि किस तरह स्टूडेंट्स को मैं अपग्रेड करूँ और बहुत ज़्यादा इनसे आउटस्टैंडिंग काम करवाऊँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने किया. और इसी तरह बाद में मैं जब मास्टर ट्रेनर बना, सोशल सेक्टर में गया, तो वहाँ पे जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, बहुत ज़्यादा कारोबारी शख्सियात थे, इसमें हर एज के लोग थे, 50 साल के, 40 साल के, और यूनिवर्सिटी लेवल्स के जो स्टूडेंट्स थे वो भी थे, एमफिल और पीएचडी. तो वहाँ पे मैंने एक दिन इनको तमाम तीन हालों में जो पार्टिसिपेंट थे इनको इकट्ठा किया, और मैंने एक लेक्चर तैयार किया था इनकी मोटिवेशनल के लिए, ताकि यहाँ से जाके वो बिल्कुल जहाज़ों की तरह उड़ें और उनकी स्पीड तेज़ हो और अपनी ज़िंदगी में वो एक नुमाया, वो चेंज लाए अपने घर की ज़िंदगी में, अपने मोहल्ले की ज़िंदगी में, अपने मजहबी लिहाज से और कारोबारी लिहाज से इनमें मैं एक बहुत बड़ा चेंज लाऊं. और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कामयाब हो गया. और वो 2 घंटे का लेक्चर था, और इसी लेक्चर में लोगों ने मुझे आउटस्टैंडिंग फीडबैक दिया, और साथ साथ बहुत ज़हीन और जीनियस लोग इसमें बैठे हुए थे, काफ़ी उम्र रसीदा लोग भी, काफ़ी तजुर्बाकार लोग भी. तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि ये इस पर बहुत ज़्यादा असर हम पे हुआ, तो वाई नाट कि आपका ये मैसेज, आपका ये पैगाम, ये बहुत ज़्यादा लोगों तक फैल जाए और वो इनसे कुछ सीखे और अमली ज़िंदगी में वो कामयाब हो. तो इसी दिन से मैंने आगाज़ किया, और इसी तरह मैंने अपना फर्स्ट एवर लाइफ चेंजिंग सेमिनार इन पश्तो लैंग्वेज इन द हिस्ट्री ऑफ पख्तून मैंने डिग्री कॉलेज बाजेवाड़ में किया, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब रहा. और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा, और बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में और हाई स्कूल्स में मैंने लाइफ चेंजिंग सेमिनार किए, और मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप किए, वरी सरा मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन में जाकर मैंने लाइफ स्किल पे लेक्चर दिए. जी, थैंक यू. शॉर्ट अल्फाज में, क्योंकि मेरा एक क्लास और होने वाला है, शॉर्ट अल्फाज में ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, हाउ टू
finish as a student or as a speaker or as a communicator, how to overcome the fear. ज़्यादातर लोग डरते हैं कि मैं अपने खौफ को किस तरह ख़त्म करूँ और लोगों के सामने कैसे आऊँ, उनके सामने बात कैसे करूँ. So any logical point? असल में ये खौफ और घबराहट और ये शकूक व शुबहात अपने आप पे कि ये मैं काम किस तरह करूँगा और इसका नतीजा क्या होगा, ऐसा ना कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, मैं नाकाम हो जाऊँ, मैं बेइज्जत न हो जाऊँ, मैं इसी किस्म के सवालात हर इंसान के जहन में आते हैं. वो काम सिंपल से सिंपल क्यों ना हो, सादा से सादा क्यों ना हो, लेकिन पहली दफ़ा जब इंसान वो करता है तो ये खौफ हर इंसान में, ये डर और ये घबराहट, ये फेयर हर इंसान के जहन में ये ज़रूर आता है. और इससे कम ओवर करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है? बेहतरीन तरीका ये है कि आप बड़े से बड़े काम और छोटे से छोटा काम आप टुकड़ों में तकसीम करें, पार्ट्स में तकसीम करें, और इसे छोटा छोटा हिस्सा जो है वो आप स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें. इसी ही दिन जब भी आप प्लानिंग कर ले, खूब प्लानिंग कर ले, इंफॉर्मेशन ले ले, तो आप इसी ही वक्त शुरू करें पहला कदम. जिस तरह चीनी कहावत है कि 1000 मील का फासला, आप पहले कदम लेकर ही तय कर सकते हैं. तो छोटे छोटे हिस्सों में जब आप काम तकसीम करेंगे तो आप में एतमाद पैदा हो जाएगी, आप में ट्रस्ट पैदा हो जाएगी, तो आप बाहिम्मत होंगे और फिर बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के बहुत बड़ा जो आपका ख्वाब है, आपका जो गोल है, आपका जो मकसद है, वो आप इंतहाई आसान तरीक़ों से अचीव कर सकते हैं. और सारी दुनिया हैरान होगी कि एक छोटा सा जवान है और इतने बड़े कारनामे उसने किए हैं. लेकिन शर्त ये है, सबसे बड़ा काम और दुनिया के लिए मिसाल बनना वो तब हो जाता है बग़ैर खौफ के, बग़ैर घबराहट के, बग़ैर डर के, जब आप एक बार फिर मैं कहता हूँ कि खौफ को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए बेहतरीन फार्मूला ये है कि आप काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और इस तरह आगे जाएं. थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मेरी वीडियो हमेशा शॉर्ट होती है, बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर टू रिकॉर्ड शॉर्ट वीडियोज. एंड इंशाल्लाह अज़ीज़, ओवर एंड ओवर, टाइम टू टाइम आई हास्ट यू अगेन एंड अगेन, बिकॉज इट विल बी माई प्लीजर. एंड वंस आई गेट यू एज अ गेस्ट इन टू माई प्रोग्राम्स, इट मेक्स माई डे. एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर हिज प्रीशियस टाइम विच ही डेडिकेटेड टू मी. वंस अगेन कॉर्डियली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई माइंड, सर शुएब को मैं थैंक करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया. और सुलेमान साहब, मैं इन एडिशन दो फिक्रे ज़रूर बोलूँगा, खौफ को, डर को, घबराहट को ख़त्म करने के लिए कि किस तरह इसको ख़त्म किया जा सकता है या इसको किस तरह से कम किया जा सकता है. इसमें ये कि आप जो भी काम करें तो इसमें ये सोचें कि ये काम मैं अपने लिए करता हूँ. जी जी जी, अपने लिए करता हूँ और शौक से करता हूँ. जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो ये आप अपने लिए खेलें, किसी से कंपटीशन ना करें, किसी से कंपैरिजन बिल्कुल ना करें, यानी किसी पैसे के लिए या इज्जत के लिए या कि मैं मकबूल हो जाऊं, मैं मशहूर हो जाऊं, लोग ये, तो लोगों को आप दिमाग से निकाल दें कि मैं ये काम अपने लिए करता हूं. अगर मैं जीत जाऊं तो तब भी ठीक है, अगर मैं हार जाऊं तो तब भी ठीक है. यानी अगर आपका न जीत का खौफ और न हार का खौफ, दोनों अगर दरमियान से निकल जाएँ और आप कहें कि ये मैं अपने लिए करता हूं, तो फिर वो खौफ और वो डर जो है एक तरीका ये भी है, वो निकल जाता है. थैंक यू टू वंस अगेन, इट वाज सर शुएब, मोटिवेशनल स्पीकर, एंड हिज प्रीशियस टाइम एंड एज वेल एज हिज गोल्डन वर्ड्स. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू इंग्लिश विद सुलेमान, कीप वॉचिंग. थैंक यू सर.